हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो स्मोकी स्नैक्स। ये बहुत ही अच्छे हैं इफ्तार पार्टी के लिए, आप इनको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये कुछ आलू हैं जो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे, अब मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम तैयार करते हैं स्नैक्स के लिए डो। ये मैंने एक मग मैदा ले ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन। बेसन से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट में मैंने लिया चावल का आटा। चावल के आटे से जो भी स्नैक्स आप बनाएंगे वो एकदम कुरकुरे एकदम खस्ता बनेंगे। और अब मिला रही हूँ मैं इसमें 1 स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर तक मिक्स करेंगे, जिससे आटा क्या होगा एकदम से सॉफ्ट सा हो जाएगा। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने डो अच्छे से बना लिया है। अब हम इसको 1 चम्मच ऑयल डाल के 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे। उससे क्या होगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के अच्छे से हीट कर लिया है। अब मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें प्याज। प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या फिर आप कोई न्यू रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर प्याज में अच्छे से चला जाए। इन सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने कट कर ली थी। और अब ऐड कर दूंगी मैं ग्रेट किए हुए आलू। आलू को ऐड करके मैं इनको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। आलू अच्छे से ऐड हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। ये मैंने ब्लैक पेपर क्रश की हुई ऐड की है और ये मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें भुना जीरा ऐड किया है और थोड़ी सी ऐड की है मैंने इसमें हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आपके पास नींबू है तो आप नींबू ऐड कर दीजिए, पर मैंने इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड किया है। और नमक ऐड कर रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर रही हूँ मैं टमाटो केचप। टमाटो केचप का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब देंगे हम इसमें स्मोकी वाला फ्लेवर। ये मैंने एक बाउल में कोयला जलाकर इसको रख लिया है। अब इसके ऊपर से मैं बटर ऐड कर दूंगी और इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए हम ढक देंगे। ये मैंने चटनी को ढक दिया है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। अब जो मैंने आटा रखा हुआ था, मैं आटे को देखूंगी कितना सॉफ्ट हुआ है। हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। मैंने ऐसी गोल लोई बना ली है। अब हम इसको बेलेंगे। हम थोड़ी सी सूखी मैदा डालकर इसको बेलेंगे। हमारी रोटी बिलकर तैयार है। बहुत अच्छी रोटी बिली है।
अब हम इसके एक बीच सेंटर में एक छोटा सा बाउल रख लेंगे, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो, जिसके साइडों से स्पून की सहायता से जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसको फैला लेंगे। ये मैंने फैला लिया है स्टफिंग। अब जो बीच का सेंटर है वो वाला बाउल हटा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी गिलू लगा लेंगे। गिलू मैंने बना ली थी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, जिससे हमारी गिलू बनकर रेडी है। और बीच में मैं अच्छे से गिलू लगा लूँगी। और अब हम इसको नाइफ की सहायता से सेंटर में कट करेंगे। मैंने इसके 8 पीस बना लिए हैं। अब हम एक पीस को हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बहुत धीरे धीरे खींच खींच कर इसको फोल्ड करना है और इसका एक अच्छा सा रोल बनाकर रेडी करना है। देखिए मेरा रोल बनकर रेडी है, ऐसे ही हम सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे रोल बनकर हमारे रेडी हैं, अब हम करते हैं इनको फ्राई। रोल मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए हैं, अब हम इनको ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। रोल हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। रोल बनकर हमारे रेडी हैं, आप इनको इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।